जुनावई और ब्रह्मपाल जुनावई और अर्शोनी चच्चा जुनावई और रामशरण बेरपुर और बिजेंदर गिन्नौर, ये पांचों जने 100 रुपया दे रहे हैं बिल्डिंग मेटेरियल। पांचों यार आ रहे हैं और 100 रुपया पुरस्कार करते हैं। मैं कैसे भूल जाऊं ऐसे प्रेम मन को, मेरो बहुत रे करत सम्मान भैया, जुग जुग जीव तुम जग दुनिया में, भोले नाथ रे भरे भंगार। अरे भोली सूरतिया, अरे देखो चच्चा की, ए चच्चा हमारा नाम ले रहे हैं, सभी एक बार हाथ उठाकर ठेकाना लगाएंगे। बोल शंकर भगवान की, बोल सत्य दरबार की, बोल दुर्गे मैया की जय। दोस्तों आज फरमाश आई थी ढोल कुमार की शादी लखिया बन की लड़ाई, ढोल कुमार की शादी लखिया बन की लड़ाई कि हमारे लिए प्रोग्राम सुनाया जाए और हमारे सामने चच्चा बैठे हुए हैं और खास कर ये चच्चा जी फरमाश है। ढोल कुमार की शादी लखिया बन की लड़ाई, तो आपकी सेवा जरूर होगी चाचा जी। अमित यादव जी ये चुनावी की तरफ से और ये प्रेमपाल सिंह ये भी चुनावी के रहने वाले हैं और हमारे अश्विनी चच्चा जी इन्हीं की मेहमान जो सभी लोगों के दर्शन हो रहे हैं जुनावई की तरफ से और ये बैरपुर के रहने वाले श्रीमान ये रामशरण और किन्नौर की तरफ से हमारे बड़े भैया श्रीमान ये बिजेंद्र सिंह ये बिल्डिंग मटेरियल की तरफ से ये सभी साहिबान ये 100 रुपए कलम पर लिख लिया हमारे लिए दे रहे का धन धर्म में जाता रहे और भगवान माया से भंगा बना रखे। और चच्चा से मेरा कहना है
अरे चुग चुग जियो रे शेर दुनिया में पंचाल खेरे भगवती नाथ। अरे पड़ते पड़ते तरे पड़े जइयो झंडा या सरे मान लहराए और चोरिया पनिया ले लाती बेचन की भोले अनाथ रे भरे और मैं ये उम्मीद करता हूँ हमारे ढोला की कहानी आपके लिए जरूर समझ में आएगी। इसी प्रकार बैठे सुनते रहे, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारा सहयोग दे रहे हैं उसके लिए मैं शुक्रिया भी करता हूँ। अटल भूम नरबस्ती गादी, अटल भूम नरबस्ती गादी, लाखों ऊंट हजारों हाथी, मैं तो कहता बारम्बार एक समय राजा नलका था भैया बामनगढ़ में। पैसुर पस्ते कियो फेस नीचे नल पे बारह साल को दियो बने बिगड़ गए ठाट औखा डारी तेलो खीले नन्नर बस्ते कर दिया बारे पाट। छुक रही रहन अंधरिया भुंजी भुलाई तालो को पूद गई मछरिया ना बिछड़ो रानी से जोड़ा पिया बान के बीच भुनो भुना उड़े रहो बाती तुर को पात को मत मानो झूठी अरे गयो यार के पात हार को निगल गई खूबी। दोस्तों आप और हम सभी लोग जानते हैं जिस पर बुरे दिन आते हैं उसके हेतु वासना रिश्तेदार सभी पीठ के लिए दे जाते हैं, कोई धी धन्य वाला नहीं है। इसी प्रकार रायगढ़ के लिए मांगे से मुट्ठी भर भी कोई देने के लिए राजी नहीं हुआ, तो आज ऐसे ही राजा की कहानी दोस्तों मैं आपके लिए सुनाने के लिए जा रहा हूं। बामनगढ़ को अरे नल राजा हो आजा वो बने थे घाट अरे हो पैर पड़ायो पापेरी इंद्र से अरे नल बन से नल कर दियो पारे पाट रे मांगे से भी कनाए पल्ले पे अरे डारी अरे बामन जल जल को ला जा मारो
रानी नैन और रानी दैमती उस कोलबारे में अपनी गुजर करते हैं। रानी दैमती शत्रु के लिए छाती है और रायराज पाठ चलाता है। दोस्तों 11 महीना 13 दिन व्यतीत हो जाते हैं और दुख सुख की बात रायराज पैदाई से बतलाने का कोई ऐसा मौका नहीं मिलता है कि जिससे दुख सुख की कोई बात बतला ले। एक दिन रायराज को मौका मिल गया, कहने लगा आज मौका अच्छा है, जाकर के अपनी रानी से बतलाऊंगा। तो दोस्तों जब रानी की हालिया रायराज जाकर के देखता है तो एकदम आंखों में आंसू आ जाते हैं। किस प्रकार से पाड़े छोड़ दई अरे राजा नल ने नलबा खुलबा के बीच झाका रानी सोने सरसों छाते रही अरे सूपो हाथ में सुना पहियो और ढेरी से लागे रहो मूर तैयार तो आए तो ते मन की को तो किया लई सरसों पे सोए भागे बिगड़ गयो पटरानी को रे सूरत देखी अरे दैमती की एकदम मारो रे करम में हाथ अरे करम तेरी नारी कहने हाथ तम से हलम से चुमाए कबू राठौरी भैया आने वाला होगा और मेरे लिए कांपे नहीं देखेगा तो मेरे लिए डांटेगा। तो दोस्तों रायल जाके पार चलाता है। तब तक सुबह हो जाती है और इधर क्या होता है दोस्तों राजा बुद्ध के लड़का हुआ जबर किया जस्टोन राजा बुद्ध के लड़का हुआ जबर किया जस्टोन पिंगुल बारे भूपने नौती सातो कौन देश देश को पाती पठाई एक पाती निकल के दोस्तों उस कुलवाड़े में आई। आज राजा बुद्ध के हाथे दावत कुलवाड़े के लिए आ जाती है। राठौरी चिट्ठी के लिए लेकर के और अपने रहतबा के पास आ जाता है। राय जैल और राठौरी की बातचीत सुने बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। धन्यवाद।